अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको कढ़ाई वाले सूट की और अस्तर वाले सूट की कटिंग बताती हूँ। बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊँगी। ये इसका मज़रमेंट है, जो भी मैंने मज़रमेंट लिया है इसका आधा ही मैं रखूँगी, क्योंकि मैंने इसका जो नाप लिया है वो मैंने कुर्ती का नाप लिया है। जैसे कि मैं अब इसको उल्टा करके मैंने इसको बिछा लिया है। 7 इंच का मैंने इसका तीरे का निशान लगाया है इस तरीके से, और 7.5 इंच पर मैं इसके मुड्ढे के निशान लगा रही हूँ। मैं इसके चाक का नाप रखूँगी 13 इंच पर। इसको इस तरीके से मैंने फोल्ड कर लिया, उसके आधे पर ही मैं पेटी का निशान लगा रही हूँ। जो मेज़रमेंट मैंने लिखा है वो ये है। इसका चेस्ट है 20 इंच, तो मैं 10 इंच पर निशान लगा रही हूँ। इसकी कमर है 18 इंच, तो मैंने 9 इंच पर निशान लगा लिया है, और इसके हिप है 21 इंच, तो मैंने 10.5 इंच पर निशान लगाए हैं। इस तरीके से इंची टेप से मैं एक दूसरे से निशानों को जॉइंट कर दूंगी। मैंने ये निशान एक दूसरे से मिला दिए हैं। इस तरीके से मैं इसकी मुड्ढे की गोलाई कर रही हूँ। मैं सिर्फ फ्रंट पट काट रही हूँ, आगे का एक ही पर्त काट रही हूँ, क्योंकि इसमें कढ़ाई है इसलिए मैं आगे पीछे के अलग अलग पर्त काटूंगी। 11 इंच का मैंने इसका दामन रखा है। इस तरीके से इंची टेप रखकर मैंने इसको निशान लगा कर एक दूसरे से निशान सारे मिला लिए हैं इंची टेप से। मैं 2 इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा रख रही हूँ मार्जिन। इस तरीके से मैंने चौक के निशान लगा लिए हैं। बहुत इजी तरीका मैं बता रही हूँ आपको। इस तरीके से आप कढ़ाई वाला सूट की कटिंग करोगे तो बहुत इजी तरीके से हो जाएगी। इसको मैंने बाहर वाले निशान पर कट कर दिया है। देखिए इस तरीके से मैं बैक साइड का फोल्ड कर रही हूँ। जितनी मुझे ज़रूरत है उसके हिसाब से मैंने फोल्ड किया है। इस तरीके से 1 इंच का निशान लगाकर मैंने मुड्ढा बैक साइड का ज़्यादा रखा है। बैक साइड जो होता है वो यहाँ से ज़्यादा रहता है, और आगे वाला जो पर्थ होता है उसका कम रहता है। देखिए इस तरीके से मैंने इसको कट कर लिया है, और बाकी की कटिंग नीचे की सेम वही होगी जो मैंने आगे की पर्थ की करी है। देखिए इस तरीके से मेरे ये दोनों पर्थ कट चुके हैं। कितना इजी तरीका मैं आपको बता रही हूँ। इस तरीके से एक निशान ऊपर लगाया, 1/2 इंच नीचे पर निशान लगाया है मैंने, फिर 3 इंच पर निशान लगाया ऊपर वाले निशान से। इस तरीके से 7.5 इंच पर मैंने निशान लगाया, क्योंकि 7.5 इंच के ही मैंने मुड्ढे रखे थे। इस तरीके से गोलाई कर दिए मैंने। यहाँ से मैं 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन रखा है, और नीचे मैं इस तरीके से इसमें चुन डालूँगी, इसलिए मैंने नीचे का ज़्यादा कपड़ा रखा है। इसको मैं इस तरीके से कट कर दूँगी। यहाँ से मैंने 3 इंच रखा था, और यहाँ से मैं 7 इंच और 2 इंच का मैंने इसका मार्जिन लिया है। अब मैं इसका अस्तर 4 तह में मैंने फोल्ड करके इसको बिछा लिया है, और थोड़ा एक्स्ट्रा मैं इसको कट कर रही हूँ। जब इसकी कच्ची सिलाई लगाऊंगी उसकी बराबर की शटिंग मैं तब कर दूंगी, इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा काटा है। इस तरीके से जो अस्तर होता है उसको हम थोड़ा एक्स्ट्रा काटते हैं। फिर इस पर ज्वाइन करने के बाद हम इसको बराबर की शटिंग कर देंगे। देखिए 4 तह में मैंने कपड़ा लिया था। इस तरीके से मैंने इसको, ये मेरा अस्तर है और ये मेरा ऊपर की जॉर्जेट वाला सूट कट गया है। ये बाजू है इसकी। कितना इजी तरीका मैंने बताया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अल्लाह हाफिज़।